देखिए हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नाते और व्यक्तिगत रूप से भी दिल्ली प्रोग्राम लगता रहता है। दिल्ली जाना कोई अपने आप का न्यूज़ नहीं है और कोरोना के चलते वैसे भी लोग नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कई तरह के प्रोग्राम मुख्यमंत्री हैं लगे हुए। और आपने जिस बात की चर्चा की उस पर तो मैं पहले भी बोलूँ कि भाई जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जनता दल ही चूंकि एनडीए का पार्ट है तो निश्चित रूप से जनता दल की उसमें भागीदारी होगी, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन सवाल ये उठता था कि जब पहली बार जब मंत्रिमंडल जिसको मुख्यमंत्री जी ने इनकार कर दिया था तो क्या अब कितने संख्या होगी, क्या अनुपात होगा, क्या रेशियो होगा जिस रेशियो के आधार पर जेडीयू उसमें शामिल। देखिए हम लोग पहले भी बता चुके कि भाई हम लोग कोई ट्रेड यूनियन नहीं, और जब हम अलायंस पार्टनर हैं तो अलायंस पार्टनर में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावना को समझते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि हम लोग कोई विवाद का मुद्दा बनाए, जब ये बात आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग बातचीत कर देंगे, इसका जो भी अच्छा हमें समझिए कि सबके लिए सम्मानजनक है वो हो जाए। तो क्या देखा जाए तो केंद्र में तो जेडीयू शामिल नहीं है, तो ऐसे में आपको लगता है कि इस बार अगर मंत्रिमंडल विस्तार जब भी वक्त पर होता है तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी? देखिए मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से मैंने बराबर कहा है कि आजकल तो इंजन की पावर इतनी बढ़ गई है कि अब डबल इंजन लगते ही, सिंगल इंजन में इतनी ताकत होती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो उसकी इतनी ताकत होती है, राज्य की सरकार हमारे जा सकते एकदम ताकत नहीं है। देखिए सोचना सिर्फ ये है कि चाहे केंद्र में सरकार हो राज्य में सरकार हो, बिहार का कैसे हित हो, बिहार की भलाई कैसे हो, बिहार विकसित प्रदेश कैसे बने, इसमें केंद्र भी सोचती है राज्य को भी सोचना है और दोनों मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सोचता है। देखिए ये तो बहुत ही समझिए प्रकाश जी, ये इशू ऐसा है ही नहीं। देखिए हमारे पार्टी में आप सब जानते हैं कि हमारे एकमात्र आज की तारीख में नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसमें कोई कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। लेकिन हाँ हमारी पार्टी ये भी नहीं है कि अपने मन से सब कुछ करते हैं, सबकी राय लेते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, सबसे परामर्श करते हैं, मंत्रणा होती है और जो भी हमने आज तक निर्णय लिया हमारे नेता ने निर्णय लिया पार्टी ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको लिया। मैंने सुना है आपका भी नाम आ रहा है। हमारा नाम तो 2017 से चलते रहता, परमानेंट हमारा नाम रहता है। तो देखिए स्वाभाविक है कि भाई लोग अपना अपना अपने हिसाब से कयास लगाते रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह दूं ये अधिकार हमारे नेता का है और वो जब भी निर्णय लेते हैं तो सबसे पूछ कर। एक आखिरी सवाल कि इस बार अगर मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होती है जिस तरह से है तो उससे क्या बिहार में क्या असर पड़ेगा, जो तनातनी देखी जाती है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, बीच बीच में कुछ नेता जो जिस तरह के बयान देते हैं कि हमारा बीजेपी के साथ आज से नहीं बहुत वर्षों का संबंध 96 और हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसमें कहीं कोई तनातनी नहीं होती। और निश्चित रूप से जब केंद्र में भी हम शामिल होंगे और यहाँ भी सब शामिल हैं तो समन्वय और बेहतर होता है, अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती है, तो और भी जो माहौल है उसको बेहतर होने में हम लोग काम बेहतर करने में कामयाब होंगे। और निश्चित रूप से देखिए स्वाभाविक है ना कि लोगों को लगता है कि साहब आप एनडीए में हैं आप शामिल नहीं हैं, पता नहीं क्या है, तो ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ है वहाँ है दोनों जगह रहेंगे तो निश्चित रूप से भागीदारी भी रहती है, भरोसा भी लोगों को बढ़ता है और काम में भी सही। चिराग पासवान की पार्टी बन गया, मतलब उनका कहना है कि वो एलजेपी वही है, तो आप लोगों का किस तरह की प्रतिक्रिया है चिराग पासवान के टूटने को लेकर और जो नए लोग आए हैं क्या उनके साथ आपका सदस्यता या उनके साथ आपका किस तरह का रिश्ता है? देखिए ये तो हम नहीं देख सकते, ये तो उनकी जो अपनी समझिए नेशनल सोसाइटी होगी वो तय करेंगे और फिर हमारा जो होता है हम लोग क्या तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने इस पर स्टेटमेंट पहले दिया कि भाई कोई भी पार्टी जब टूटती है तो स्वाभाविक है कोई ना कोई उसका आधार होता है, और स्वाभाविक है जहाँ 6 MP हैं टूट के 5 अलग हो तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी। और मैं देख रहा था मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि एक दिन मैं सुना कि उन्होंने कहा मैं शेर का वो हूँ और कल कह दिया अनाथ हूँ, हिंदुस्तान में आज तक मैंने नहीं सुना कि शेर भी कभी अनाथ हो सकता। अब शेर का बेटा अगर शेर है तो शेर का भाई क्या
दूसरा होता है, वो भी सिरे रखता है। ये क्या पशुपति पारस भी मंत्री बनेंगे? ये तो हम नहीं कर सकते, देखिए तो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, कौन मंत्री है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।